द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द एलिप्स दिस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो भी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगा उसका मिडिल पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, और टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है इलिप्स पे। ठीक है, देखो हम डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर इलिप्स का इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इक्वल टू 2, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1 होगा। इस ये जो इलिप्स है ये कैसा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ा है ना, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, इलिप्स है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो ये मान लेते एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट एक्सिस के बीच में जो भी इंटरसेप्ट बनाएगा वो ए और बी इंटरसेप्ट है, तो ए और बी का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, जिसका लोकस फाइंड करना है और उसका हम लोग एच कोमा के मानते हैं। ठीक है, अब देखो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो पैरामीटर कोई भी पैरामीटर मान लेते हैं, पॉइंट पी है एलिस पर, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये होता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है एलिस पर टेंजेंट ऑन एलिप्स, ये होता है एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1, और ए का वैल्यू है √2, बी का वैल्यू 1, तो ये होगा एक्स कॉस थीटा बाई √2 प्लस वाई साइन थीटा बाई 1 इक्वल टू 1 होगा। ओके, यहाँ से हम लोग पॉइंट ए फाइंड करेंगे, पॉइंट बी फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम लोग वाई का वैल्यू 0 रखते हैं, जब वाई का वैल्यू 0 रखें तो एक्स का वैल्यू आगे √2 बाई sin थीटा, तो √2 √2 बाई cos थीटा, तो √2 बाई cos थीटा, 0 ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट के लिए एक्स का वैल्यू रखेंगे 0, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू आगे 1 बाई sin थीटा, ये हो गया। अब देखो मिड पॉइंट क्या है? एच कॉमा के है, तो एच कॉमा के जब मिड पॉइंट है तो एच इक्वल टू लिखेंगे एक्स का ए का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2, तो देखो √2 बाई cos थीटा प्लस 0 बाई 2, तो √2 बाई 2 cos थीटा हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 1 बाई √2 cos थीटा, और के का वैल्यू कितना आएगा? के का वैल्यू आ जाएगा दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, 1 बाई 2 sin थीटा कितना आएगा। ओके, अब लोकस फाइंड करना है तो एच और के में रिलेशन लाना है ना, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन से कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई √2 h, और सेकेंड वाले से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2 k आएगा, और हम लोग फिर यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाई 4 k² प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 h² इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और लोकस फाइंड करने के लिए h को x और k को y रखते हैं, h को x रखेंगे ना तो 1 बाई 2 x² है ना, x वैल्यू हमको पहले लिख दिया, और यहाँ पे होगा 1 बाई 4 y² इक्वल टू 1 होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कैसा है, 2x² प्लस 4y², यही सी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो 1 बाई 2x² प्लस 1 बाई 4y² इक्वल टू 1, 1 बाई 2x² प्लस 1 बाई 4y² इक्वल टू 1, सी ऑप्शन है ना, यही हो गया लोकस। ओके,